सो यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप आ रखा था, उसमें राइड में ये देखिए एक एमएल खड़ी हुई है, थोड़ा हाई स्पीड उसको चला रहे थे। सो एमएल में लग गई है, एग्जॉस्ट के आसपास उसमें लग गई है, मतलब आग वगैरह लग गई है। और मुझे अभी मेरे ख्याल में सीधा जाना था। और ये देखिए भाई, ये अपना कांच गया, ये निशान अपना आना ही आना होता है, बट ये अंदर से नहीं गया, बाहर से गया, नो प्रॉब्लम। नहीं आ रहे बंदे, कहाँ जाना चाहते हैं कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो मेन रोड पे खड़ी कर दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज है संडे, निकले अपनी राइड्स के लिए। सो भाई आज मैं अपना भूल गया हूँ सबसे पहले तो गोप्रो। ये देखो यार, यहीं से बदतमीजी करने स्टार्ट हो गई हैं गाड़ियाँ। ये देखिए सारी आ गई हैं अभी। सो बाकी हम लेट हो चुके हैं और सारी गाड़ियाँ अपनी खड़ी हुई हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे टोल के आगे। सो कुछ कार्स अपनी रुकी हुई हैं ये सोना वाले टोल के बाद। अब ये बस हाईवे चढ़ी गए यहाँ से और हम रुके हैं भाई बंदों के लिए। क्या ले भाई, अब लोग बनाते जा रहे हो हैं? अब लोग बनाते जा रहे हो? हाँ भाई, बाइक वाले मार दिया। दूसरा ग्रुप आ रखा था, उसमें राइड में ये देखिए एक एमएल खड़ी हुई है, थोड़ा हाई स्पीड उसको चला रहे थे। सो एमएल में लग गई है, एग्जॉस्ट के आसपास उसमें लग गई है, मतलब आग वगैरह लग गई है। और मुझे अभी मेरे ख्याल में सीधा जाना था। और ये देखिए भाई, ये अपना कांच गया, ये निशान अपना आना ही आना होता है, बट ये अंदर से नहीं गया, बाहर से गया, नो प्रॉब्लम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बंदे कहाँ जाना चाहते हैं कहाँ नहीं जाना चाहते। तो मेन रोड पर खड़ी कर दी। एग्जॉस्ट टिप से आग निकल रही थी भाई, 204 वरना 204 पे ऐसे चला रहा था मैं। और जाएगी अभी देखना, 210 पुश हो गया। पर तुषार ज्यादा लेफ्ट में मत रखा कर। अरे मेरे में दिक्कत क्या, मेरी अलाइनमेंट दिक्कत दे रही है सर भी अभी भी, वो हल्की सी गाड़ी। हाँ जी मैं समझ गया आपकी बात, कि मैं तभी ब्रेक मार रहा था अपनी, तो लेफ्ट में मत चलाया कर गाड़ी, मैं राइट में चलाऊंगा। सारी मिट्टी उड़ाता जा रहा है। चलो ओके। क्या ओके, हमारे साथ ही हो आप अभी? अरे साथ तो हैं लेकिन हम यू टर्न थोड़ा मार रहे हैं। अच्छा चलो, अब क्या करना है? ईशान कहाँ है? वहाँ थोड़ा बोर है, वहाँ खड़ा है। बोर है उधर, अच्छा, बोर है उधर सामने, यूटर्न ले आगे जा रहे हैं भाई। पता नहीं तो एक अपने ने सब्सक्राइबर की गाड़ी मिल गई थी। सो भाई के पास है ऑक्टाविया पेट्रोल 1.8, ठीक है। तो हम भाई को करनी है एक बारी रोलिंग, तो मैंने कहा भाई हरा लो, ऑक्टाविया तो वैसे ही स्टॉक खा जाती है। सो अब करें क्या, तो अब करते ये हैं कि रेस करते हैं। और भाई ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं ऐसे तो 200 तक कर लो, लेकिन जहां आए फिर ब्रेक ले लेंगे। कितने की स्पीड पे ऐसे ही उठा के निकले, ड्रैग में या वैसे? अच्छा तो आ जाओ रोलिंग, आ जाओ।
आज फुल कैच देंगे फिर है ना ट्रैक के बाद। सो हम कर रहे हैं ड्रैग और आ गई ये गई भाई वो गई देखो भाई साहब बहुत ज्यादा हिल रहे हैं रोड। सो हाफ कार्स पीछे हैं, ये एक अलग ग्रुप चल रहा है मतलब जिसकी ये बाकी ज्यादातर गाड़ियां हैं। सो ये ग्रुप थोड़ा लंबा जाएगा, अपन लोग यूटर्न लेंगे। ये रहा यूटर्न, काफी कारों ने लिया है, हमने भी लेना ही था। ये लो यूटर्न है, लेना ही लेना था ये। और ईशान भाई आ जाए लेजेंडर में तो आज ही हत्ते चढ़ेंगे वो, और दिन तो चढ़ने से रहे। जीएफआर कैफे नहीं बचे थे, अब अपन निकल रहे हैं। चोपा जी कैसा मजा आया? बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। हां अभी तो चलिए, अभी तो कैफेज वगैरह चलेंगे। अपनी गाड़ियां ही खड़ी हुई हैं सारी। सो तुषार और ऋषभ की एक रोलिंग हो रही है अब ड्रैग हो रही है पता नहीं भाई। एक में IVT है, एक में DCT है, दोनों में लैग है।
सॉरी गाइस, आज बिल्कुल भी अपने पास GoPro नहीं था, तो इस वजह से मेरे को शूट करवानी पड़ी अपने भाई से। और आपको पता है, पैसेंजर जब साइड में बैठा और गाड़ी हाई स्पीड्स में चल रही होती है ना, कटिंग कर रही होती है, सो कभी भी कैमरा स्टेबल नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है स्टेबल। तो फिलहाल जितनी वीडियो थी यही वीडियो है, आज इसमें काम चला लेना है। बाकी क्या बात है, 340 आई एंड मिनी कूपर। अरे मतलब मैं क्या स्लो हुआ भाई, ऐसे लगता दुनिया वो हो गई। तो तुषार की गाड़ी का ऑयल खत्म हो गया था, तो तुषार का भी ऑयल आ गया है और अब चल रहे हैं GFR। बाकी रिजर्व तो मेरी भी आ गई, लेकिन घर तक चली जाएगी। डीजल कार का बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा जो दुख हुआ वो उसका हुआ, ये देखिए, जब भी मैं किसी ऐसी राइड पे आता हूँ ना, मेरा मिरर ये मानेगा नहीं जब तक चलवाएगा नहीं। तो चलते हैं। सो अपने राइडर्स पैराडाइज कैफे आ गए हैं। आजीशान भाई अपनी इसमें आए हैं, लेजेंडर में, फॉर्च्यूनर, मतलब फॉर्च्यूनर कह रहा हूँ, मस्टैंग नहीं लेकर आए। और ये वो गाड़ियाँ जो अपने साथ थी, अपने साथ यहाँ पर आ गई हैं। न्यू है पूजा, उठा लो अब, एक उठा लो तब मजा आएगा जब मस्टैंग के साइड में इस पे आओगे। ये नहीं छोड़ती किसी को भी भाई, ये तो यूज आती हैं। 300 खत्म। क्या सीन है? चलो सो निकल गए हैं पैराडाइज से और अब सीधे अपने घर पर, क्योंकि नींद अपनी इतनी पूरी हुई नहीं है। मतलब रात भर उठाई हूँ, उठने से आधे घंटे पहले सोया था और उसके बाद सीधा, आपको पता ही है क्या हाल होता है हमारा, हर संडे ये हाल होता है, पर इसकी आदत सी हो गई है अब। बाकी आगे शायद से चेक पोस्ट लगा हुआ है। हाँ जी लगा हुआ है, नीचे कर लेता हूँ फ़ोन, कहीं फ़ोन देख के रोक लें। सो धूप में हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, धूप भी निकली हुई है, बूंदाबांदी भी हो रही है। और आखिरी ये चार कारें, ये तीन कारें, एक ऋषभ की लेफ्ट हो गई है गुड़गांव के लिए I-20, बाकी हमारी ये पांच कारें थी इकट्ठी। और अब सी ऑफ वगैरह कर दिया सबको, अब डायरेक्ट जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि हालत हो जाती है बहुत टाइट। और आज पाजी आए हैं अपने साथ पहली बार राइड पर। सो पाजी कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, देखने को भी प्रोसेस था भाई। क्या लॉन्च देखी ना गाड़ियों की, अरे एक नंबर, जो BM ने तो दिल जीत लिया। हां 340i, 340i मतलब सबकी फेवरेट कार पाजी की भी बन चुकी है, जबरदस्त। सो कोई नहीं पाजी, अगले संडे भी आपको ऐसे उठा लूंगा सुबह सुबह, है ना। सो सॉरी गाइस, इस राइड की वीडियो भी मैं ऐसी एंडिंग कर रहा हूँ। आपको पता ही है यार कि रात को अगर सो गए तो राइड नहीं जा सकते, तो सोते तो है नहीं। और अब ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है आपका 12:30 बज चुके हैं, सुबह 7 बजे निकले हुए, 5.5 घंटे में हम वापस आए हैं। और आप खुद सोचो यार क्या हालत हो जाती है। सो आज जो जो गाड़ियां आ रखी थी, मतलब आज आज कार्स ऑफ हिंदुस्तान, जो पहले कार्स एंड कॉफ़ी था, उनकी भी राइड थी। सो ईशान भाई का थोड़ा ये चक्कर था कि ईशान भाई आधे हमारे साथ आधे उनके साथ थे, तो हमारा ना चक्कर ये चल रहा था कि हम उनके साथ कोलैब ना करें, क्योंकि देखो यार, क्यों किसी ग्रुप के, मतलब किसी और की कारों को अपनी कार बता करके हमारे ग्रुप में आइए। मैं कभी ये फेक चीज़ तो करता नहीं हूँ। काफ़ी अच्छी राइड रही और ओक्टाविया से पिलकर आया हूँ, आप सबको मैंने बता ही दिया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई हाइपर ड्राइव के साथ, एक नए डेली ब्लॉग के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस।